हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। कल्पना चावला आप सब जानते होंगे, जो हरियाणा के करनाल से है। इंडियन अमेरिकन वुमेन बोला उनको, क्योंकि वो इंडिया में बॉर्न हुई थी, पैदा हुई थी, और अमेरिकन, बाद में उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप भी ले ली थी और उन्होंने अमेरिका में ही अपनी स्टडी की थी। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये आपका चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक न्यूज़ रिपोर्ट दी हुई है, जब उनका जो प्लेन था लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। के स्पेस की ट्रेजेडी के बारे में बताया कि ये यूएस का जो स्पेस शटल था, स्पेस शटल क्या होता है, स्पेस क्राफ्ट होता है, जो उसमें ऐसा स्पेस क्राफ्ट होता है जिसमें हम बारी बारी से यात्रा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा, ऐसा स्पेस क्राफ्ट जिसको हम बारी बारी से स्पेस में ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसको स्पेस शटल बोलते हैं। जो स्पेस शटल था ब्रेक इनटू फ्लेम्स में क्रैश हो गया था। इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड सिक्स अदर्स। यहाँ पर बताया गया कि एक अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऐसा, ऐसी बात या ऐसा काम जो पहले कभी ना हुआ, तो ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी, इतनी भयानक ट्रेजेडी थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। और स्पेस शटल का नाम क्या दिया है, कोलंबिया कैरिंग इंडियन बोर्न अमेरिका चावला, जिसमें अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, उसमें इंडिया में पैदा हुई, कौन कौन थे उसमें, इंडिया में पैदा हुई एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला थी और सिक्स अदर मेंबर्स थे। ब्रोक अपार्ट इन टू फ्लेम्स एज इट स्टिक्ड और टेक्सस टूवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे। सैटरडे को जब वो टेक्सस की तरफ आ रहा था, टेक्सस क्या है, यूएसए, यूएस का स्टेट है। ओके, तो जब ये यूएस की तरफ इसकी लैंडिंग जर्नी थी, उस दौरान जब इसमें कल्पना चावला और उसके साथ सिक्स मेंबर थे, उस दौरान ये क्या हो गया था, सैटरडे को क्रैश हो गया था, 1 फरवरी 2003, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। और दिन क्या था उस दिन, 1 फरवरी थी, 1 फरवरी 2003 की बात है ये, और जिसमें कल्पना चावला और सिक्स मेंबर ऑल सेवन थे, उन सभी की क्या हुई थी, डेथ हो गई थी। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM, 9 बजे के करीब सुबह इसने नासा से जो उसका कॉन्टैक्ट है वो लॉस हो गया था, संपर्क खत्म हो गया था। एज इट केम इन टू लैंडिंग, जब ये इसकी लैंडिंग थी ना, वापस आ रहा था, इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट एंड ट्रेवलिंग एट एवर 20,000 किलोमीटर पर आवर व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद शटल। अब ये कह रहे हैं कि जब जो शटल था, स्पेस शटल था, उसका ग्राउंड से कॉन्टैक्ट खत्म हुआ, उस दौरान वो क्या था, 2 लाख फीट की ऊंचाई पे था और उसकी जो स्पीड क्या थी, 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आ रहा था। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑन 16 जनवरी 2003 फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। जो ये स्पेस शटल था वो फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसने अपनी उड़ान भरी थी, जर्नी स्टार्ट की थी, कब की थी, 16 जनवरी 2003 को, और 1 फरवरी को ये इनकी वापसी थी, क्रैश हो गया था। इट हैज स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज एंड 7 मेंबर्स क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इट बिगेन इट डाउनवर्ड सेंडरी विच एंडेड इन ट्रेजेडी। अब यहाँ पर बताया गया कि इट स्टेड इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में कितने दिन रहा, 16 डेज, 16 दिनों तक ये रहा, और इसमें जो 7 मेंबर्स थे, क्रू मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स होते हैं, 7 मेंबर थे इसमें, इन्होंने वहाँ पर 80 एक्सपेरिमेंट्स किए, और जब इसकी डाउनवर्ड जर्नी थी, मीन्स अभी वापस आ रहा था, उस दौरान ये सब कुछ क्या हो गया था, एंड हो गया था। दिस वॉज कोलंबियाज 28th space flight एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। अभी बताया गया कि जो कोलंबिया की थी 28वीं उसकी फ्लाइट थी, और ऐसा माना जाता था कि ये 100 उड़ानें, ये जो कोलंबिया स्पेस शटल था, ये 100 उड़ानें अच्छी तरह से भर सकता था। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज ए चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। भी यहाँ पे बताया गया कि कल्पना चावला जब वो करनाल में अपना बचपन बिता रही थी, अपने बचपन के दौरान, उसने कभी भी ये ड्रीम नहीं किया था, मैंने सपना नहीं लिया था, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, कि वो कभी भी अंतरिक्ष की सीमाओं को नाप लेगी, मीन्स अंतरिक्ष में, स्पेस में वो ट्रेवल करेगी। इट वॉज एनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। उसने, कल्पना चावला ने जब टैगोर स्कूल से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी, तो उसके लिए काफ़ी था कि उसके पेरेंट्स ने उसका जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादातर उस दौरान क्या है, पढ़ाते नहीं थे, बाहर नहीं बैठते थे, तो उसके लिए काफ़ी था, इट मीन्स उसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उसके पेरेंट्स ने उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था। आफ्टर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में
बीएससी करने के बाद एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या होती है कि एस्ट्रोनॉटिकल होती है वायुयान संचालन में स्पेस को किस उसको प्लेन को किस तरह से हैंडल किया जाता है, किस तरह से चलाया जाता है, ये सारी नॉलेज उसमें दी जाती है। तो अपनी उसने एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीएससी करने के बाद अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर शी वेंट टू फॉर ए मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अपने अपोजिशन क्या था, विरोध, तो अपने पेरेंट्स के अपने पापा के विरोध के बावजूद उन्होंने क्या किया कि वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मास्टर डिग्री करने के लिए वो अपने पापा के विरोध के बावजूद भी वहाँ पर गई। शी लेटर अर्न्ड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग और उसके बाद उन्होंने पीएचडी की किसमें, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनावेरल। ये क्या बताया गया कि कल्पना चावला थी वो पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट थी वो, जिन्होंने क्या किया था केप कैनावेरल लॉन्च से उन्होंने अपने प्लेन को उड़ाया था, वो सबसे पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन थी। एंड पार्टिसिपेट इन सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और जो इनका ये मिशन था सक्सेसफुल रहा था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, और उनके जो परिवार था इंडिया से चीयर अप होता है, खुशी मनाना, कुछ को जाहिर करना, वो भी जो कैनेडी स्पेस सेंटर का स्टाफ था उसके साथ उसके फैमिली मेम्बर्स ने भी एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, जब कोलंबिया था उसने अपनी उड़ान भरी थी, तो जो कल्पना चावला थी उसके फैमिली मेंबर्स ने भी जो कैनेडी स्पेस सेंटर के स्टाफ थे उनके साथ उस खुशी को शेयर किया था। कल्पना चावला वाज बोर्न इन करनाल हरियाणा, हरियाणा के करनाल में वो पैदा हुई थी, बट वॉज ए नेचुराइज्ड यूएस सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन। लेकिन नेचुराइज्ड यूएस सिटीजन, नेचुरल सिटीजनशिप क्या होती है कि जो वहाँ का मेंबर वहाँ पैदा नहीं हुआ है लेकिन जो किसी ने वहाँ की जो सिटीजनशिप हासिल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरलाइज सिटीजन। तो वो वहाँ की नेचुरलाइज सिटीजन थी, मीन्स उसने वहाँ की सिटीजनशिप भी ले ली थी, और वहाँ उन्होंने वहाँ के जो जीन पेरी हैरिसन नाम के जो पर्सन है फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे उनसे मैरिज कर ली थी। Besides being an astronaut, means एक astronaut होने के बावजूद भी she was licensed to fly single and multi-engine land aeroplanes, single engine seaplanes and gliders. एक astronaut होने के बावजूद भी उनको license मिल गया था किसका, single और multi-engine aeroplanes उड़ाने का, single engine seaplanes समुद्री वायन उड़ाने का, और gliders उड़ाने का भी उनके पास लाइसेंस था। शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट कल्पना चावला बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। अब जब उसने क्वालिफाइंग कर ली थी पायलट की डिग्री, इट मीन्स वो एक अच्छी पायलट बन गई थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि वो दूसरे चैलेंज भी एक्सेप्ट करे, दूसरे चैलेंज भी स्वीकार करे। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, इसलिए उन्होंने क्या किया, नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया, आवेदन भेजा। She was first hired as a research scientist at NASA, और पहले सबसे पहले उन्हें नासा में एक रिसर्च साइंटिस्ट के लिए हायर किया गया, रिसर्च मीन शोध करने के लिए, खोज करने के लिए। In 1994 she was selected by NASA for training as an astronaut, और 1994 में क्या किया गया, उनको नासा ने उन्हें एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया, चुना। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else. और जब उनसे पूछा गया कि एक औरत होने के बावजूद भी जब इस क्षेत्र में तुम काम कर रही हो, जब उनको एस्ट्रोनॉट के लिए जो इन्विटेशन मिला था ट्रेनिंग के लिए, तब उनसे पूछा गया कि एक औरत होने के बावजूद जब तुम इस फील्ड में काम कर रही हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है, तो उन्होंने आंसर दिया, आई रियली नेवर एवर थॉट, वो कह रहे कि सचमुच में मैंने कभी भी नहीं सोचा, वाइल परसुइंग मीन्स कंटिन्यूइंग, जब मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही थी या कुछ भी काम मैं कर रही थी, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आई वॉज ए वुमैन, कि मैं एक औरत हूँ। और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, और मैं एक छोटे शहर से हूँ और ए डिफरेंट कंट्री से हूँ। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन हेल्प, वो कह रही कि जैसे औरों के सपने होते हैं ऐसे मेरे भी सपने थे, एंड आई फॉलो डैम, और मैंने उनको फॉलो किया, मीन्स उन सपनों को पूरा करने की कोशिश की। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो मेरे आसपास लोग थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज मी, और फॉर्चुनेटली मीन्स भाग्य से जो मेरे आसपास जितने भी लोग थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एनकरेज किया, मेरा हौसला बढ़ाया।
एंड इफ दैट्स वट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन, उन्होंने क्या कहा कि जो तुम चाहती हो कैरी ऑन मीन्स वो करो, उसमें ध्यान दो। कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन स्पेस टेल कोलम्बिया वॉज 15 डेज 16 आवर्स और 34 मिनट्स लॉन्ग। कल्पना का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था स्पेस टेल कोलम्बिया का, वो 15 दिन 16 आवर्स 16 घंटे और 34 मिनट्स तक चला। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, और इस दौरान उसने 252 टाइम्स अर्थ के राउंड लगाए, चक्कर लगाए, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर। द क्रू इंक्लूडेड जैपनीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। उस क्रू में कौन कौन थे? जैपनीज और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। और जो क्रू थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वहाँ पे काफ़ी, तो उन्होंने जो प्लांट्स थे उनको पॉलिनेटिंग मीन्स उन पर परागकण छिड़क के उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया कि क्या स्पेस में भी फूड ग्रोथ हो सकती है, भोजन पैदा किया जा सकता है। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, क्या वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेटल्स मजबूत स्ट्रॉन्ग धातु बनाई जा सकती है। फास्टर कंप्यूटर चिप्स, तेज गति से चलने वाले कंप्यूटर चिप्स बनाए जा सकते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट उन्होंने वहाँ पे किए, ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट 56 मिलियन डॉलर्स। और ये सब एक्सपेरिमेंट्स में 56 मिलियन डॉलर्स लगे। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, देर वॉज शॉक एंड डिसबिलीफ। और जब सैटरडे को जब न्यूज़ ब्रोक आउट मीन्स न्यूज़ फैल जाना चाहो तब जब चाहो तो फिर न्यूज़ फैल गई थी, कौन सी? कोलंबिया डिजास्टर की, कोलंबिया के डिजास्टर में दुर्घटना होने की। देर वॉज शोक, चारों तरफ शोक था। और क्या था? डिसबिलीफ मीन्स लोगों को भरोसा नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा था इस बात पे। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट, जो करनाल शहर ने क्या है जागते हुए रात बिताई। एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेड ग्लू टू देयर टेलीविजन सेट्स इन होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड। जो हजारों घर थे उन्होंने वो ग्लू टू देयर टेलीविजन, टेलीविजन से चिपके हुए मीन्स वो कंटिन्यू टेलीविजन के सामने ही बैठे हुए थे, इन होप, इस उम्मीद में कि कल्पना चावला और जो उसके मेंबर्स है ग्रुप के वो किसी तरह से सर्वाइव कर रहे हों या बच गई हों। ए जर्नलिस्ट रोट, और उस न्यूज़ के बारे में एक जर्नलिस्ट ने, एक पत्रकार ने लिखा, शी वॉज अ हीरोइन। वो क्या कौन थी? एक हीरोइन थी। कल्पना के चावला के बारे में लिखा, इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। इनॉर्मस होता विशाल, अद्भुत, उनमें अद्भुत योग्यता थी एक एस्ट्रोनॉट बनने की। यू नीड टू नो ए लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। वो कह रहा है कि एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए अलॉट एवरीथिंग, हर तरह की नॉलेज की जरूरत होती है, बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स के, जीव विज्ञान से लेके एस्ट्रो के फिजिक्स की, एनालिटिकल इंजीनियरिंग तक की, ये सारी नॉलेज होना जरूरी है एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, के इस सुपर स्पेशलाइजेशन के युग में जहाँ हर चीज़ बहुत मॉडर्न तरीके से बनाई जाती है, यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपके पास एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज मीन्स, एनसाइक्लोपीडिक क्या होता है? वास्ट एंड कंप्लीट नॉलेज ऑफ डाइवर्स सब्जेक्ट, हर तरह की, वास्ट मीन्स विशाल नॉलेज, हर तरह की, हर सब्जेक्ट में नॉलेज होना। हर अचीवमेंट्स इज आव इंस्पायरिंग, और उसकी जो अचीवमेंट्स है, उपलब्धियाँ, वो क्या है? बहुत अधिक इंस्पायरिंग है, अद्भुत है, महान है। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, ए गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन हु टच द स्काइज हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। इसमें बताया गया है कि जो कल्पना चावला थी तो उन्होंने मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, जो युवा इंडियंस थे, युवा भारतीय थे लाखों, उनके लिए जो कल्पना चावला की स्टोरी है ये क्या है, जिसने आसमान को छुआ, एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा बन गई है। इन ए मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबाउट इन स्पेस टल, उन्होंने अपनी स्पेस टल कोलम्बिया से, जो स्टूडेंट्स ऑफ अर कॉलेज इन चंडीगढ़ में, उसके जिस कॉलेज में उन्होंने स्टडी की थी, उसके कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने स्पेस टल से उनके लिए मैसेज भेजा। कल्पना सेट, कल्पना ने कहा, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, कि जो रास्ता होता है ड्रीम टू सक्सेस मीन सपनों से सफलता का जो रास्ता होता है वो एग्जिस्ट मीन है, सपनों से ही सफलता का रास्ता बनता है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, भगवान क्या करे तुम्हें ऐसा विजन मीन ऐसी दृष्टि दे कि तुम उस रास्ते को ढूंढ सको, फाइंड इट। द करेज टू गेट ऑन टू इट, और करेज मीन्स हौसला, तुम्हारे अंदर वो हौसला हिम्मत हो, टू गेट ऑन टू इट मीन्स तुम इस पर बने रह सको, अड़िग रह सको इस रास्ते पर। विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी, मैं तुम्हारी ग्रेट जर्नी की, सुखद यात्रा की कामना करती हूँ। ये मैसेज उन्होंने अपने चंडीगढ़ के कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भेजा था। देर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, और यहाँ बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने
अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस जर्नी को, इस यात्रा को शुरू कर दिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर रीड किया है इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, और टुडे योर वर्क इज टू रीड द चैप्टर केयरफुली एंड लर्न एंड राइट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर।